हाय डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। आज हम बात करेंगे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हर समय वायरसेस और बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं और हम अक्सर बैक्टीरियाज के कांटेक्ट में रहते हैं, पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इनसे लड़ती है और हमें बीमार पड़ने से बचाती है। लेकिन बड़ों के मुकाबले छोटे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से वो इजीली वायरसेस और बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ सकते हैं। वैसे तो सभी को एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहे, पर स्पेशली छोटे बच्चों की डाइट और उनके डेली रूटीन की कुछ आदतों को चेंज करके आप उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं और उन्हें बीमार पड़ने से बचा सकती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों की लिस्ट है जिन्हें आप अपने बच्चे की डाइट में शामिल करके उनकी इम्यूनिटी को इनक्रीज कर सकती हैं। 6 महीने से छोटे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क के सिवाय कुछ और खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज़ की इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, तो उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छी डाइट है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मदर्स की बॉडी में बनते हैं। तो आप बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके उतना फीड करवाएं, और अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पर है तो भी आप ट्राई करें कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करवा सकें। नेक्स्ट है, अगर किसी को सर्दी खांसी हो गई है तो उस जगह से आप बच्चे को दूर रखें, क्योंकि बच्चा एयर के थ्रू अपने माउथ और नोज़ में बैक्टीरिया लेकर जा सकता है और इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ सकता है। तो आप इंश्योर करें कि जहां पर भी बच्चा जा रहा है वहां पर किसी को वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, और आप बच्चे की हाइजीन और उसकी स्वच्छता का खास ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे खेलते समय ज़मीन पर, दीवारों पर, हर जगह हाथ लगाते हैं और फिर वही हाथ वो अपने मुंह पर भी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बच्चे के खेलने के टाइम पर उसके रूम की अच्छे से साफ़ सफाई रखें, और हर बार खाना खाने से पहले, खेलने के बाद, रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद, किसी भी पालतू पशु को हाथ लगाने के बाद, या फिर बच्चा अगर डे केयर में जाता है तो वहाँ से आने के बाद आप बच्चे के हाथों को अच्छे से धुलवाएं, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट है विटामिन डी। आप बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नेचर की हेल्प ले सकते हैं। आप हर रोज़ सुबह बच्चे को 20 मिनट के लिए सूरज की धूप में ले जाएं। इससे बच्चे को विटामिन डी तो मिलेगा ही, साथ के साथ बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी होती है। ज़्यादातर बच्चों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आप बच्चे को हर रोज़ सुबह पार्क में ले जा सकते हैं, वहाँ पर बच्चे को विटामिन डी तो मिलेगा ही, साथ के साथ बच्चा एक्टिव भी होगा, बच्चे की बॉडी में फुर्ती भी आएगी और बच्चा स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप बच्चे को रोगों से बचाने के लिए और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उनके खाने पीने का खास ध्यान रखें। फलों और सब्जियों जैसे कि गाजर, सेब, शकरकंद, कीवी, संतरे और ब्रोकली, इन सब चीज़ों को आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा आप बच्चे को फ्रूट के जूसेस दे सकती हैं, छोटे बच्चों को आप फ्रूट्स की प्यूरी, फ्रूट की स्मूदी बनाकर दे सकती हैं। आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दें, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन ए, विटामिन B2, B6, विटामिन सी, जिंक और फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और आप बच्चे को विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स ज़रूर खिलाएं, क्योंकि विटामिन सी में बॉडी को रिपेयर करने के गुण होते हैं। तो आप बच्चे को संतरा, कीवी, जामुन, अमरूद, ये सब ज़रूर खिलाएं, इससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बेबी स्ट्रॉन्ग बनता है। और आप बच्चे को बाहर का खाना जैसे कि चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर किसी भी तरह का पैक्ड फूड बिल्कुल मत दें, वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त आहार। बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दें, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप बच्चे को अंडे, दालें, सोयाबीन, चिकन, फिश, ये सब दे सकते हैं, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। बढ़ते बच्चों के लिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ दिन में 15 से 16 घंटे तक की नींद ले लेते हैं, जबकि थोड़े बड़े बच्चों के लिए 10 से 14 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चे को एक साउंड स्लीप दें, और बच्चे के सोने के टाइम पर आप बच्चे के रूम की लाइट्स को ऑफ कर दें, इससे बच्चे की नींद बार बार डिस्टर्ब नहीं होगी और वो बार बार जागेगा नहीं। आप बच्चे के रूम के वेंटिलेशन और टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखें, और उसके सोते टाइम आप रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर मोबाइल फ़ोन बिल्कुल मत रखें, और बच्चे को एक अच्छी नींद दें, इससे बच्चे की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव इम्यूनिटी।
25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करने से बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है और वो एक्टिव भी रहता है। खेलने कूदने से बच्चा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली भी ग्रो करता है। तो आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएं, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, आप उससे बात करें, उससे उसके साथ खेलें, इससे बच्चे की इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, साथ ही साथ बच्चे के साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट है घरेलू उपचार। कुछ होम रेमेडीज़ की हेल्प से आप बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला है, आप बच्चे को रेगुलर बेसिस पर हल्दी वाला दूध पिलाएं, स्पेशली फ्लू के सीज़न में। और अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है तो आप दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर भी बच्चे को पिला सकते हैं। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते। आप हर रोज़ सुबह तुलसी के पत्तों को अच्छे से वॉश करके बच्चे को चबाने के लिए दें, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है चवनप्राश। आप बच्चे को चवनप्राश दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और बेबी की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है तो आप उसे चवनप्राश दे सकते हैं। नेक्स्ट है लव एंड अफेक्शन। प्यार और स्नेह बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चे को महंगे खिलौनों से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के टाइम और उनके अफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आप बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें। बात करने से आपको बच्चे की मुश्किलों के बारे में पता चलेगा, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्हें बता पाएंगे। क्योंकि आजकल बच्चों की काफ़ी कम उम्र से ही उन्हें तनाव की प्रॉब्लम होने लगी है, तो आप बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इससे बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है और कम से कम बीमार पड़ता है। तो इन सब तरीक़ों से आप बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।